Hello friends, I am Ravi Kumar, Faculty of Mathematics in RIT Bangalore Institution. हम लोग जो अपना लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे या हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्टैटिक्स सांख्यिकी, जिसमें हमने अभी मीन निकालना सीखा था, कुछ एक दो क्वेश्चन हमने किए थे, इसी को हम आज इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और करेंगे मीन के, तो जिससे आप क्वेश्चंस को और अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक बेसिकली हमें इसका मीन निकालना है। हमें डाटा दे रखा है, तेरा एज इन ईयर्स, ठीक है, ये एज ग्रुप दे रखा है हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में, और नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं कि इस एज ग्रुप के, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का डाटा है कि इस एज ग्रुप के कितने पेशेंट हॉस्पिटल में हैं एडमिट। तो 10 to 20 ईयर्स एज के 9 पेशेंट हैं, 20 to 30 ईयर के 16, 30 to 40 ईयर के 6, 40 to 50 ईयर के 3, 50 to 60 ईयर के 4 एंड 60 to 70 ईयर्स के 2 पेशेंट हैं। हमें इस डाटा का मीन निकालना है, यानी कि एवरेज या औसत। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया सॉल्यूशन के लिए, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, यही हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। एंड फ्रीक्वेंसीज और बारंबार है हमारे पास 9, 16, 6, 3, 4 एंड। अब सबसे पहले हमें इसमें निकालना है इसका मिड पॉइंट, मीन्स एक्स मध्य बिंदु, ठीक। इस क्वेश्चन को भी हम तीनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे, अपने डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन एंड एस्टिमेशन। तो समीशन एफ देखें, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, बारंबार काम का ही, तो आ रहा है 40। एंड एक्स मिड पॉइंट किसका निकालेंगे आप, मिड पॉइंट निकालेंगे पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर और अपर, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, इन दोनों का सम, दोनों को जोड़ना है और उसे डिवाइड कर देना है, 10 plus 20 30 30 upon 2 50। तो ये आ जाएगा इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एक्स मध्य। ऐसे ही नेक्स्ट वाले इंटरवल का सभी का निकालना है। आप इसमें देखें सभी में जो डिफरेंस है, इसकी जो विड्थ है वर्ग चौड़ाई, ठीक है, क्लास वेट वो है सब में 10। तो यहाँ पे भी जो x की वैल्यू आएगी इन सभी में डिफरेंस कितने का आएगा, 10 10। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 10 की डिफरेंस है, बस आपको ये चेक करना है कि इधर भी जो इंटरवल आ रहा है ये क्लास वेट है, वो जो वेट है वो कितने होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सभी में। अगर कहीं पर अनइक्वल होगी तो ये जो एक्स है ये आपका उस इंटरवल के लिए डिफरेंट आएगा, अलग आएगा। तो उसके लिए निकालेंगे आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके, ओके। तो नेक्स्ट 15 के बाद 25, देन 35, देन 45, 55 एंड 65, ये आ गया आपके पास एक्स निकल। अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड से। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन fx ऑन समेशन f। समेशन f आपके पास है, x आपके पास है, आपको क्या निकालना है, f इनटू x। f और x को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकालेंगे आप, समेशन fx जो भी है, ठीक है, डिवाइड करके इसको, और जो भी वैल्यू है दोनों को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा मीन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू लिखते हैं, तो 15 9 10 135, 25 into 16 is 400, 35 into 6 210, 135 220 and
वन है, ठीक है। इसका समेशन करना है, इन सभी को ऐड करना है, ऐड करके जो है वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको ऐड करके आ रहा है 1230, ठीक है, 1230, 1220। तो मीन निकालेंगे इसका, तो आ जाएगा एक्स बार जो प्लस टू 1230 अपॉन 40, डिवाइड करेंगे तो जाएगा एक्स बार जो प्लस टू 30.7, ठीक है। इसका मीन निकल कर आ रहा है डायरेक्ट मेथड से 30.75, ठीक। ये वो फर्स्ट मेथड हमारा। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड से, यानी कि एज्यूम मीन मेथड से। तो एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड से एज्यूम मीन मेथड कल्पित माध्य से माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो सबसे पहले हमें इसमें एफ इंटू एक्स की कहीं की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम एफ इंटू एक्स को हटा दे रहे हैं यहां से, होता है x माइनस a, d इज इक्वल टू x माइनस a। आपको एज्यूम मीन लेना पड़ेगा, यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, कल्पित माध्य। तो उसके लिए क्या मेथड है आपके पास, पिछले लेक्चर में बताया था कि आप क्या करेंगे मिडिल वाली वैल्यू। तो यहां पे टोटल वैल्यूज कितनी गिवन है हमें 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल में दो वैल्यू रहेगी, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके सामने जो वैल्यू आ रही है 35, ठीक। अब d फाइंड करें, d होता है x माइनस a के इक्वल, तो 15 माइनस 35 इज माइनस 20, देन माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30, ठीक है, ये वैल्यू आ गई d के। तो आपको निकालना है f इंटू d, तो f इंटू d किसको मल्टीप्लाई करना है, f को d के साथ, ये ध्यान रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई ना कर दें x के साथ, इसको f और d को मल्टीप्लाई करके f इंटू d, तो माइनस 180, माइनस 160, 0, 30, 80 एंड 60, यह आ रहा है f इंटू d मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो ऐड हो जाएंगे, जो नेगेटिव वाली है उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप देख लेंगे 140 और 30 170, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा टोटल माइनस 170, ठीक। वैल्यू पुट करें इसके फॉर्मूले में, तो मीन निकल कर आ जाएगा 35 प्लस समीशन एफ डी है माइनस 170, माइनस 170 अपॉन समीशन एफ इज 40 अपॉन 40। तो सॉल्व करें, जीरो से जीरो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 17 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35 माइनस 4.25, ठीक है। 35 माइनस 4.25 इज 31.75,
30.7 ये आपका आंसर आ जाएगा और आंसर वही आएगा ठीक है जो डायरेक्ट मेथड से आता है। अब आप लोग इसको मैंने ऐसे मिल लिया है 35, आप लोग 45 ऐसे भी काउंट करके एक बार इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, डी माइनस ए निकालेंगे, सॉरी डी की वैल्यू निकालेंगे और एफ इन टू डी ठीक है, देन फॉर्मूले में वैल्यू करके सॉल्व करेंगे ठीक है, आपका आंसर वही आएगा 30.7। ये हो गया सेकेंड मेथड से, सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड मेथड से, और थर्ड मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इनटू एच। अगेन देखिए इसमें क्या आ रहा है, यू आ रहा है एफ इनटू यू और यू की वैल्यू इक्वल होती है डी अपॉन एच ठीक है, तो यानी कि डी को हमें निकालना ही पड़ेगा। इसमें आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स आप सभी के लिए निकालेंगे चाहे किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक है। डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो डायरेक्टली एफ और एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एज्यूमिंग मेथड से करते हैं तो आपको डी निकालना पड़ेगा देन एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं आप तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है एक्स आप फाइंड करेंगे डी निकालेंगे देन यू निकालेंगे और उसके बाद एफ इंटू यू फाइंड करेंगे ठीक है। तो D मैंने एज्यूमिंग जो लिया है वो 35 ही लिया लास्ट जो जिस मेथड से सॉल्व किया है एज्यूमिंग मेथड से, उसमें ये 35 लिया था, अगेन मैं 35 ही ले रहा हूँ तो D की वैल्यू कहीं निकल कर आएगी जो है। अब इस क्वेश्चन में यानी कि इस मेथड में हमें यहाँ पर F इंटू डी नहीं चाहिए, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, हमें चाहिए U और U की बात है F इंटू तो U की वैल्यू इक्वल होता है D अपॉन H और H होता है क्लास विड्थ वर्ग चौड़ाई, क्या विड्थ है क्लास इंटरवल की, तो H की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10। विधि तरह से को क्लास विड्थ इसको जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है 10 का, तो क्लास विड्थ है 10 तो U इज इक्वल्स टू D अपॉन H, तो H से डिवाइड करेंगे -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 ये वैल्यू आ जाएगी U की, देन आप निकालेंगे F और U को मल्टीप्लाई करेंगे F इंटू U, F और U को मल्टीप्लाई करेंगे ओके, तो -18 फिर -16, 0, 3, 8 एंड 6 इसको सॉल्व करेंगे आप ऐड करेंगे इसको समीशन F U फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आएगा -17 वैल्यू पुट करेंगे आप फॉर्मूले में एक्स बार इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 35 प्लस समीशन एफ यू, समीशन एफ यू इज -17 अपॉन समीशन एफ 40 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, अगेन वही हो गया 35 प्लस माइनस माइनस 17 अपॉन 4 वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस 4.25 30.75 यह जाएगा आपका मीन स्टेप डेविएशन मेथड से। अगेन आप एज्यूमिंग 45 काउंट करके अगेन इसको सॉल्व करके आप लोग देखेंगे कि आपका आंसर क्या है ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम जिससे इन तीनों के बीच डिफरेंस समझ में आए, हम अभी हमें तीनों मेथड इजी लग रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए x की वैल्यू डेसिमल में आ जाए ठीक है, अगर दशमलव में आ जाए तो
तो आप फिर आप एफ और एक्स को एफ की वैल्यू भी बड़ी बड़ी दे रखी हो आपको कुछ, तो आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो कैलकुलेशन पे टाइमिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड करेंगे डेसिमल टर्म्स को, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको एक्यूरेट करनी है। अगर थोड़ा बहुत भी कैलकुलेट करने में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं तो आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। एसयूमील और स्टेप डेविएशन से सॉल्व करने में उसमें आपको टाइम कम लगेगा।